हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी इन स्टाइल विद मिर्चा। दोस्तों, आप सब में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जब भी मेकअप करना होता होगा तो ये कन्फ्यूजन रहता होगा कि पहले फाउंडेशन लगाएं या फिर कंसीलर। तो ये एक बहुत जो है, मतलब है तो छोटी सी बात अगर किसी को पता है तो, और नहीं पता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये मतलब ट्रिकी सा क्वेश्चन है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं आपको आज इन दोनों ही तरीकों से आपको जो है अपना बेस तैयार करना दिखाऊंगी। हाफ फेस पर मैं आपको फाउंडेशन पहले लगाकर दिखाऊंगी और हाफ फेस पर मैं आपको कंसीलर पहले लगाकर दिखाऊंगी, जिससे कि आपको अंतर पता चलेगा। और आपको ये भी बताऊंगी कि किस समय आपको कंसीलर पहले लगाना चाहिए और किस समय आपको कंसीलर फाउंडेशन के बाद लगाना चाहिए, जिससे कि आपका मेकअप एकदम परफेक्टली एंड फ्लॉलेस बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आपके भी चेहरे पे ग्लो नहीं रहता और इससे आप परेशान रहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय लेकर आई हूँ। ममा अर्थ ने लॉन्च की है डेली ग्लो लूमी क्रीम, जो कि आती है विद विटामिन सी एंड टर्मरिक, और ये इसकी इनर पैकेजिंग है। तो ये एक ऐसी क्रीम है जिसको आप दो चार चीजें लगाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक इकलौती क्रीम से ही आप अच्छे से मॉइस्चराइजेशन भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है फॉर मॉइस्चराइज्ड ग्लो, और साथ में आप अपने फेस पे ग्लो भी ला सकते हो। यानी ये टू इन वन काम करती है आप सबके लिए। तो कुछ इस टाइप से इसका टेक्सचर है, मैं आपको दिखा दूं। इसके अंदर बहुत ही छोटे एकदम टाइनी टाइनी से शाइनी पार्टिकल्स नजर आएंगे आपको, जो आपके फेस पर बहुत ही अच्छा सा ग्लो जो है प्रोवाइड करवाते हैं। एकदम पर्ल लाइक ग्लो इसका आता है, हल्का सा, बहुत ही लिटिल सा पिंकिश आपको नजर आएगी कहीं कहीं पर ये, और बहुत अच्छा सा आप देख रहे हो यहाँ पर शाइन आ रहा है स्किन पर। बहुत ही क्विकली अब्जॉर्ब हो जाती है, एकदम नॉन ऑयली इसका फॉर्मूला है। ममाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स फ्री हैं फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल हैं। ये अवेलेबल है ममाअर्थ की वेबसाइट, ऐप, अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल पर फॉर प्रोडक्ट्स फॉर अडल्ट्स, एंड ममाअर्थ अमेजोन एंड फर्स्ट क्राई फॉर बेबी प्रोडक्ट्स। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, द एग्जैक्ट जियोलोकेशन पिक्चर एंड द स्पीशीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है। ममाअर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च करी है, जिससे कि यूजर्स को अर्ली एक्सेस मिलेगा सेल एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट का। अब इनके प्रोडक्ट्स आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, यानी कि आपके नियर बाय स्टोर्स में भी ये मिलने लगे हैं। तो देखा आपने, फेस पर मैंने अप्लाई कर लिया है सीधे, ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहा है मेरे स्किन को एंड बहुत ही अच्छा सा ग्लो भी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक तो ये तरीका है कि आप सीधे इसको एज अ मॉइस्चराइजर एंड ग्लो क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं, एंड सेकंड ये तरीका है कि आप इसको थोड़े से अमाउंट में लेकर एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। यानी आप अपना पूरा मेकअप कर लीजिए और इस तरीके से जहां जहां पर हमारे फेस पर हाइलाइटर को यूज करना होता है, वहां वहां पर आप थोड़ा सा अमाउंट लगाकर इस तरीके से डैबिंग मोशन में इसको अप्लाई कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, इसको स्वाइप नहीं कीजिएगा। डैबिंग मोशन में अप्लाई करने से बहुत अच्छा सा ये उसी जगह पर ग्लो देता है। तो आप देख सकते हो, मैं जहां जहां पर इसको अप्लाई करके डैबिंग मोशन में इसको जो है ब्लेंड कर रही हूं, ये उस जगह पर बहुत अच्छा सा ग्लो दे रहा है। तो हल्का सा मैं अपना फेस आपको टर्न करके दिखाती हूँ कि जिधर मैंने इसको एज अ हाइलाइटर यूज किया, ये उस जगह पर कितना चमक रहा है। तो बहुत ही अच्छी ये क्रीम है एज अ फेस ग्लो के लिए भी और हाइलाइटर के पर्पस के लिए भी। और अगर आप ममाअर्थ की वेबसाइट या ऐप से परचेज करते हो, तो आप ये मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो RICHA2023, और इससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% का ऑफ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है एंड साथ में प्राइमर भी अप्लाई कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कंसीलर का काम। तो कंसीलर जब हम पहले लगाते हैं फाउंडेशन से, तो वो क्या करता है कि आपके फेस पे यहाँ यहाँ पर जो ब्लेमिशेस होते हैं या फिर डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनको ये हाइड करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम इसको फाउंडेशन के बाद अप्लाई करते हैं, तो ये आपके फेस पर हाइलाइटिंग का काम करता है। तो चलिए, यहाँ पर मैं हाफ फेस पर अपने पहले कंसीलर लगा रही हूँ। इस तरीके से आपको अंडर आईज पर, आईलिड्स पर एंड थोड़ा सा माउथ के अराउंड भी अप्लाई करना है। इसको मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपको कंसीलर या फाउंडेशन लगाना नहीं आता है प्रॉपरली, तो इसका सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने माउथ के अराउंड भी इसको थोड़ा थोड़ा सा लगा लिया है और सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूं। अभी आप देख सकते हो कि यहां पर जो भी थोड़े बहुत डार्कनेस थी, वो इससे हाइड हो गई है, और अब हम इसके ऊपर फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे। तो फाउंडेशन मैंने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले लिया है। अब मैं दोनों साइड में इसको अप्लाई कर लूंगी, क्योंकि यहां पर मैं एक साइड में पहले फाउंडेशन लगा रही हूं, दूसरी साइड में बाद में लगा रही हूं। तो यहां पर मैंने इस साइड में कंसीलर पहले लगा लिया था, तो इसलिए मैं यहां पर फाउंडेशन को पहले ब्लेंड कर रही हूं, और दूसरे साइड में मैं कंसीलर बाद में लगाऊंगी, इसलिए मैंने उधर भी फाउंडेशन की डॉट्स लगा ली हैं और उसको भी मैं साथ साथ ब्लेंड कर लूंगी।
तो अगर आप मेरी माने तो दोनों ही तरीके एकदम सही हैं। आप कोई भी तरीके से अपने फेस पर कंसीलर अप्लाई कर सकते हो, फाउंडेशन से पहले या बाद में। मैं ज्यादातर ये करती हूँ कि जब मैं दिन का मेकअप करती हूँ तो मैं कंसीलर को पहले अप्लाई करती हूँ, क्योंकि उस समय हमें अपने थोड़े बहुत ब्लेमिशेस को हाइड करना होता है और फिर फाउंडेशन को अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे फेस पर डिफरेंस पता चल रहा है। आईज के नीचे उतना ज्यादा डार्कनेस नहीं नजर आ रही जितना मैंने जिस साइड में कंसीलर नहीं अप्लाई किया था उस तरफ हल्का सा डार्क लग रहा है। तो अब मैं वहां पर भी फाउंडेशन के बाद कंसीलर को अप्लाई कर रही हूं और सेम डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। तो जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप दिन का मेकअप करते हो तो आपको बहुत ज्यादा हाइलाइटिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दिन में आप कहीं बाहर हो तो नेचुरल लाइट होती है। वहां पर अगर आप बहुत ज्यादा हैवी मेकअप कर लोगे या हाइलाइटिंग वगैरह बहुत ज्यादा कर लोगे तो वो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा ही मेकअप लगा हुआ दिखता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। अब आप देख सकते हो कि मेरे एक साइड में बाद में जहां पर मैंने कंसीलर लगाया था वो हिस्सा ब्राइट दिख रहा है और दूसरा हिस्सा थोड़ा सा सेटल डाउन लग रहा है। तो आप ये कर सकते हो कि जब आप दिन का मेकअप कर रहे हो तो आप फाउंडेशन से पहले कंसीलर को अप्लाई कर लीजिए, और जब आप रात का मेकअप कर रहे हो तो आप कंसीलर को बाद में अप्लाई कर लीजिए फाउंडेशन के, जिससे कि आपके फेस पर अच्छा हाइलाइटिंग इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, आपको जैसे पसंद हो आप उस तरीके से कर सकते हो, कोई भी रूल्स या रेगुलेशन नहीं है। आई होप आप सबके लिए ये बात कुछ क्लियर हो गई होगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी एंड ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का दिख जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।